नहीं रुको, मैं देखती हूँ। ओफो मैडम, आप डरते क्यों हो? मैं देखती हूँ ना। अच्छा जरा संभल के देखना। हाँ। कौन था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हमने ठीक से देखा? हाँ, कोई भी नहीं। अरे हो सकता है किसी बच्चे ने शरारत की हो। अच्छा बंद कर दो और अंदर आ जाओ। अच्छा बोल रही हूँ। मिस दोषी, आप इस वक्त खैरियत तो है? अंजलि की जान खतरे में है, आप फौरन आ जाइए। क्या? ओके ओके, मैं पहुंच रहा हूँ। ज्यादा शोर मचाया ना तो सर अलग और धड़ अलग, समझी? चल बैठ अंदर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? जीना या मरना? चल बैठ अंदर। अंजलि, बलराज ने अपने आपको गोली मारने से पहले तुझसे क्या कहा था? बोल। कुछ नहीं कहा था उसने मुझे। झूठ बोलती है तू? सच सच बता, वरना तेरा भी वही अंजाम होगा जो उसको हुआ। बोल। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दो प्लीज। जीवन सेठ की लाश को कहाँ छिपा रखा है? कहाँ छिपा रखा है उसे? बता। कोशिश की तो भून के रख देंगे। I want you. Whoever you are, you'll pay for this. आगे मत बढ़ना, हम कहते हैं। आगे मत बढ़ना। देखो, अरे सर, चलिए कोई भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। सर, प्लीज। मुझे लगता है शायद ये जगन्नाथ त्रिपाठी है। यस, जगन्नाथ त्रिपाठी। लो पानी। तुम ठीक तो हो ना अंजलि? वो मुझे धमकाने क्यों आया था? उसको मुझसे क्या चाहिए? कंट्रोल योरसेल्फ अंजलि। जो आदमी तुम्हें धमकाने आया था वो खुद डरा हुआ था। अगर उसमें हिम्मत होती तो चोरों की तरह भागने की बजाय डटकर हमारा मुकाबला करता। कासिम, आपने उसको अच्छी तरह देखा था ना? वो जगन्नाथ त्रिपाठी ही था। 100% वही था। भेड़िया चाहे शेर का लिबास क्यों ना पहन ले, उसकी फितरत नहीं चलती। लेकिन अंजलि को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पुलिस को फोन करता हूं। जगन्नाथ त्रिपाठी विल बी अरेस्टेड। क्या हुआ? उसको फोन मत करिए। हेलो पुलिस स्टेशन। सर प्लीज, प्लीज पुलिस को फोन मत करिए। आई कैन नॉट फेस दिस। मैडम, प्लीज डोंट कॉल द पुलिस। ये क्या किया? फोन क्यों काट दिया मिस दोषी? कम ऑन मिस दोषी, एक आदमी यहां आकर अंजलि को जान से मार डालने की धमकी देकर चला जाता है
और आप चाहती हैं कि हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लें? इस ब्लडी फनी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस हसन अली? इसकी हालत आप देख रहे हैं, कितनी घबराई हुई है। अगर पुलिस ने आकर इससे पूछताछ की तो ये क्या जवाब देगी? ओह कम ऑन मिस दोषी, पुलिस को क्या हम ये रीजन दे सकते हैं कि अंजलि की हालत ठीक नहीं थी इसलिए हमने कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई? मिस दोषी, पुलिस को अगर सही वक्त पर इन्फॉर्म नहीं किया गया तो वो कोई एक्शन नहीं लेगी और फिर जगन्नाथ त्रिपाठी गिरफ्तार नहीं होगा। तो फिर ठीक है, अगर आपको अंजलि की जरा भी फिक्र नहीं और अगर जगन्नाथ त्रिपाठी को गिरफ्तार करवाना ही आपका मकसद है तो कीजिए फोन पुलिस को और अंजलि का जो होगा वो देखा जाएगा। अंजलि, थैंक यू सर। तुम फिक्र मत करो अंजलि, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दिन के 24 घंटे हर पल हर मिनट कोई ना कोई तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद किसी भी जगन्नाथ त्रिपाठी को तुम्हें तुम्हारा धमकाने की हिम्मत नहीं होगी। डोंट वरी अंजलि, रिलैक्स। हे बॉयज, टेक गुड केयर ऑफ ओके। आई होप यू डिडंट माइंड मिस दोषी, आई होप आपने मेरी बातों को बुरा नहीं माना। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जल्दी छोड़कर चला गया मुझे। मैं जानता हूं सैंडी कि तेरे और बल्लू के बीच में कितनी गहरी दोस्ती थी, पर क्या तू भूल गया मेरे दोस्त? बल्लू भी मेरे भाई जैसा था, कि जाने का गम क्या मुझे नहीं है? पर देख, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूं। पर तेरी तरह उसके बारे में सोच सोच के नहीं, बल्कि उसकी मीठी यादों को अपने लोगों में बांट कर। यही तो तकलीफ है, यही तो तकलीफ है मेरे जा सकती। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि बल्लू मर गया, हमें छोड़कर चला गया अचानक। अचानक कान में आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे जैसे बल्लू पुकार रहा हो, कोई कोई हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बल्लू हंसता हो। इस दुख को भुला पाना, इस गम पर काबू पाना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी शक्ति। मैं जानता हूं सैंडी, मैं जानता हूं मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि अपने किसी अजीज की मौत हो जाने पर दिल का एक हिस्सा उसके साथ दफन हो जाता है हमेशा के लिए, बुझ सा जाता है। पर जिंदगी रुकती नहीं है ना सैंडी, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, जिंदगी तो चलती रहती है। शक्ति, शक्ति मुझे एक बात बता, क्या तू पुनर्जन्म में विश्वास करता है? पुनर्जन्म? लोगों ने इसके बारे में सुना तो है, पर आज तक किसी ने देखा नहीं सैंडी। हजारों वर्षों से लोग इसके बारे में कहते आ रहे हैं सर, हो सकता है कि सच हो सकता है ना शक्ति? हाँ हो सकता है, पर क्यों? तुम्हें दुआ मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा, मन्नत मांगूंगा कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो और अगले जन्म में मैं और बल्लू एक ही घर में पैदा हो, भाई बनकर। क्या ऐसा होगा ना? होगा सैंडी, जरूर होगा। अगर भगवान ने चाहा ना तो ऐसा जरूर होगा।
जस्ट रिलैक्स ओके फीलिंग ओके पानी दूं नहीं बेटर हो तू नहीं डोंट वरी अबाउट एनीथिंग इट्स ऑल ओवर नाउ ओके विल यू स्लीप या गुड नाइट कौन है वहां गणेश भाई हम हैं आपके सेवक जगन अरे जगन यार तू ये अंधेरे में क्यों बैठा है हां उजाला तो आपके आने से होता है गणेश भाई सो हो गया आजकल तो हर जगह आप ही के चर्चे हैं चुनाव जीतना तो आपका निश्चित है अब ये बात भी पक्की हो गई है कि मंत्री की गद्दी भी आप ही को मिलेगी क्या बात है बहुत मीठी मीठी बातें करना शुरू हो गया हां कहीं शक्कर की बीमारी तो नहीं हो गई तुझे क्या खबर है बता खबर ये है गणेश भाई कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बौखलाया हुआ है और जब ऊपर से डंडे पड़ते हैं ना तो और बौखला उठता है क्यों क्या हुआ अरे वो जीवन सेठ की लाश जो गायब हो गई पुलिस की समझ में नहीं आ रहा कि इतनी मोटी ताजी हट्टी कट्टी भारी भरकम लाश कहीं कहां जमीन निकल गई आसमान खा गया ये गुत्थी तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही जगनिया कि बलराज के घर से वो लाश गई तो गई कहां हमें तो लगता है गणेश भाई कि बलराज ने उस लाश को ठिकाने लगा दिया होगा और ये बात उसने उस छोकरिया को जरूर बताई होगी अरे छकरिया तो तेरे भी हाथ लगी थी ना कुछ उगला के नहीं उसने लगी तो थी गणेश भाई और डर के मारे सब कुछ उगल भी देती लेकिन एन वक्त वो कृष्ण का अवतार हसन अली वहां पर आदम का ए कृष्ण का अवतार मत क्या उसे कंस क्या कंस ससुर हमें एक बार मंत्री बन जाने दे इन सबको उल्टा लटका के हंटर लगवाऊंगा हम